Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Thank you so much for staying tuned to PDV Sports. I feel like I'm back in the grind as well. What a win, what a dominant win for Team India once again, qualifying for the knockout stage. Finally, we can say that as well. We weren't able to say that before, but Team India with complete dominance does not look like as if there will be a team as of today who can actually put pressure on cricket team and that too of India. Ladies and gentlemen, say, Khan. Oh bhai, welcome

पर लाइव मैच हम एक हाई पैकेज देख रहे हैं बट ओवर ऑल वेम दिसजा थिंक जिस तरह हमने uh, पहले वाले शो में बात की थी कि लग यही रहा था कि प्रॉबेबली वन साइड मैच होगा बट इतना वन साइड होगा शायद उम्मीद नहीं थी वर्ल्ड कप के अंदर अगर हम बात करें तो श्रीलंका रियली है लॉट to reflect on exactly it just reminded me of the asia cup final as well you know and certainly we spoke about oh, yeah. it certainly अभी ये हम जरूर अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि श्रीलंका

भारी जिम्मेदारी आई है इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और अपना भी नाम साथ साथ रूख करते चले गए खातन आजाद ये हमेशा कैसे ठीक है? हम ठीक हम अच्छा ठीक सी अब ठीक था, <laughs> था। <laughs> खातिन उजाद जिस अगले शख्स की मैं बात कर रहा हूं जब हम ओपिनियंस की बात करते हैं प्रडिक्शन की बात करते हैं वैसे तो आप सब उनको एज प्रोफेसर मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी जानते हैं फॉर्मर स्कीपर भी हैं लेकिन दो नाम आज उन्होंने बताए और दोनों ने पांच पांच विकेट हासिल की सबसे ज्यादा ताली होनी चाहिए मोहम्मद अभी क्या बात है सर यार तो ऐसे लगता है तो। आज तो मैं कह रहा हूँ तो कि बड़ी गेम लेकिन एक आपसे गुजारिश है तारुफ ऐसा करवाया करें कि खुद हंसी आए <laughs> आपने वहाँ का तारुफ ऐसा करवाया वो खुद हंसता है <laughs> नहीं वो तो उनकी अच्छी बात है कि वो हंस रहे हैं मेरे तारुफ पे वरना वो ट्रूली हमारे सभी मेहमान माशाल्लाह इसका कोई डिजर्व करते हैं और खातिन जहाँ पे आज हमने एक दफा फिर से ये मल्टीपल लोकेशन पे हो चुका है गेम ऑन है में कि हमने जब पूछा कि सर क्या आप पार स्कोर देखते क्या टोटल पोस्ट करेगी टीम तो एक बार फिर से इन्होंने आज साढ़े तीन सौ बोला सब कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैठ रही कैसे आप ठीक है वाँ वाँ। सर आप लोगों ने हमारी जो क्रेडिबिलिटी आप है अलहमदिल्ला स्काई रॉकेटिंग कर दी आपकी तो पहले ही थी हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने की मैं चाहता मैंने ये कह दिया यार आज ना चलो अभी शुरू शुरू हो जाते हैं शामी दोपहर में बॉल करें तो शामी शाम को बॉल करें तो शामी रात में बॉल करें तो शामी मतलब आज जो स्पेल किया है उन्होंने उनको बॉल दी और पांच विकटें ले गए और uh, क्रिक विज ने भी अभी एक अपनी ट्वीट में दिया है कि बेस्ट बॉलिंग स्पेल अगर कह सकते हैं शुरू के पांच या छः ओवर सिराज एंड जसप्रीत बुमराह का इससे पहले शायद 2015 में कोई हुआ था उसके बाद से ऐसा स्पेल नहीं देखा गया आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बिल्कुल इसके बारे में अभी हम बात करते हैं पहले नजर डालते हैं मैच समरी What went ऑन एक रिफ्रेशर के लिए समरी देखते हैं जी पहले सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका टॉस एंड चूजिंग टू बोल फर्स्ट यहाँ पे ही थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया था कि वेदर इट वॉज द राइट कॉल टू सेंड इंडिया टू बैट wicket. टू uh, बैट early विकेट इंडिया रोहित शर्मा गोइंग फॉर फोर ओनली लेकिन उसके बाद शुभमन गिल रिकवर्ड ब्रिलियंटली नाइन्टी टू ऑफ नाइन्टी टू ये भी उन पर ड्यू था शुभमन गिल के ऊपर ये इनिंग्स और आज उन्होंने डिलीवर किया वैन द कैप्टन यू नोन वन इंडिया लॉस द कैप्टन ओली ऑन उसके बाद विराट कोहली एटी एट ऑफ नाइन्टी फोर इलेवन फोर इन दैट इनिंग्स फ्रॉम हेम कमिंग क्लोज टू अन्चुरी येट अगेन but uh, couldn't get there in the end and number on number 4 it was shias ayer iske baare mein bhi humne baat ki thi. this was long time coming for shias ayer as well 82 of 56 Chhe chakke is innings mein shamil the. and of course uske baad, uh, kl rahul uh, pitching in sky pitching in and jadeja with a very fine 35 of 24 balls india putting together 356 runs on the board इसके ऊपर uh, अगर हम माधु शाखा का स्पेल देखें इट रियली स्टूड आउट एंड मेड अ डिफरेंस बिकॉज इट डिड लुक लाइक इंडिया वुड पोस्ट वुड एंड अप पोस्टिंग अ लॉट मोर देन 357। uh, बैटिंग में अगर हम देखें श्रीलंका का आई डोंट थिंक के देर इज़ मच टू लुक एट इन दैट स्कोर कार्ड अनफॉर्चुनेटली फॉर दैम देयर टॉप फाइव बैटर्स ओनली Contributing two runs, so it was 0-0-1-0-1-12 So, yeah, you it looks more like a telephone number if I'm not <laughs> <laughs> kidding. But uh, India, on the other hand, bowled brilliantly. I don't think brilliant uh, would even suffice the way that they bowled. Mohammad Shami picking up another five-wicket haul, Siraj with three, and Jadeja chipping in as well. India, in the end, winning well quite convincingly by 302 runs. Exactly. so moving on towards the points table where, where we Amni Sobai Sri Lanka is obviously, you know, it looks like as if they're out of the tournament. This is sure. India once again, you know, retaining their number one spot on the tribal and that too in the home conditions. India in India looks invincible, Where there they are. Ladies and gentlemen, look at the points, the 14 points. They've not lost a single game as well. Look at the net run rate. Marvelous, fantabulous. And uh, flabbergasting for all the other teams. Look at Sri Lanka down at the table at number seven, still lurking, still in hopes to qualify for the Champions Trophy. Can they do that? I think that's a question to be asked in a couple of games, but well, that's how it looks like. I feel like Pakistan's at a great position as of now, right at the center of the table. I'm sorry, I had to talk about it. But, ladies and gentlemen, once again, I think what we really do talk about over here is that this happens to be the fourth lowest.

क्या जब हम इंडियन बैटर्स की बात करते हैं वो श्रीलंकन बॉलिंग को बहुत अच्छा मैनेज कर पाए बिकॉज ऑफ़ द स्किल सेट दे हैव हाँ? और डू यू थिंक दैट द कंडीशन वर रियली डिफरेंट वैन द इंडियन बॉल इज केम इन टू बॉल देखिये जब मैच शुरू हुआ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इंडियन बैट्समैन को अगर आप देखें तो चमीरा के जो दो तीन ओवर बिफोर ही फेल डाउन ऑन ही शोल्डर उनको इशू हुआ उन उसके उससे पहले जो मधुशंका है उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग किया तो बॉल वॉज डूइंग अ बेट और

तो उनके पास वो डेप्थ नहीं थी और जो शुरू में जूस था उसमें क्योंकि वो सिर्फ एक आउट कर सके चांसेस थे कैच मिस हुआ विराट कोहली का शुभमन गिल का कैच मिस हुआ दे वर क्वाइट लकी इनफ तो क्या हुआ कि एक पार्टनरशिप लग गई और वो पार्टनरशिप लंबी हो गई जिसकी वजह से कभी श्रीलंका वापस उस मैच में आया नहीं ऑन द अदर हैंड साइड जब इन्होंने स्टार्ट किया तो वडा स्टार्ट फ्रॉम सिराज और बुमराह वंस अगेन उन्होंने शो किया कि अंडर लाइट्स बॉल स्विंग हो रहा है सीम हो रहा है और आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ सीम और बॉल को जिस तरीके से कहा जाता है कि जी बॉल सीम पे लगता है अंदर आता है बाहर आता है और इतने कंट्रोल के साथ दैट वाज अमेजिंग टू सी और फिर आइसिंग ऑन द केक जब ओवर में और उन्होंने आते साथ एक दफा फिर से बेसिकली ही हैज शोन दैट कैरेक्टर के वो इतनी देर से इंडियन टीम के बेंच पे बैठा हुआ था के कमिंग टुवर्ड्स यू यहां पे इंडिया <laughs> और श्रीलंका के वैसे भी इस साल अर्लियर जो उन्होंने वनडे खेला जिसमें Uh, पहले तो आप ये देखें आपके स्क्रीन पे हैं शामी के मोस्ट विकेट्स फॉर इंडिया इन आईसीसी वर्ल्ड कप 14 में से 14 इनिंग्स में से 45 विकेट्स सो so, so, ये five तो five एक कम पॉइंट सेवन मतलब 16 बॉल हर सोलह बॉल के, के बाद विकेट ढाई विकेट so, हम हम बैटिंग की बात करते हैं ना कि अब पावर हिटिंग आ गई एक अनकनवेंशनल मतलब वो ट्रेडिशनल वे में अब लोग आगे चले गए हैं ये शामी पुराना बॉलर है ट्रेडिशनल वे है कोई स्क्रैम्बल स्क्रीम नहीं कोई नकल बॉल नहीं कुछ नहीं सीम पकड़ता है मारता है लेंथ परफेक्ट उसके बाद पुराना बॉल तो यॉर्कर कोई मतलब जो स्लोअर बाउंसर या स्लोअर वन या इस तरह कोई वो है ही नहीं लेकिन सक्सेस रेट देखें इसकी इसके जो बॉल सीम पे पड़ता है और हर दफ़ा बॉल सीम पे पड़ता है तो जहाँ पे भी हल्की सी भी मूवमेंट होती है ये वो कैप्चर कर लेता है मतलब ऐसा प्लेयर जो मैच में आप उसको खिलाते हैं वो आउट कर देता है नहीं खिलाते है, चार पांच मैच फिर आता है फिर आउट कर जाता है अभी ये हिसाब लगाए कि इसको नया बॉल नहीं मिलता अभी फर्स्ट चेंज पे आ रहा है नया बॉल करे तो पता नहीं बैट्समैन को जान से ही मार दे जितने ये आउट कर रहा हर <laughs> फेस में वो होते है मैं मैंने पहले भी शुरू में टूर्नामेंट में कहा था कि अ टीम जिसका चेंज पे बॉलर अच्छा करेगा वो टीम पकड़ी नहीं जाएगी और अगर आप देखें कि ही इज़ द ओनली इंडियन इज़ इंडियन टीम में ये वाहद ये चेंज पे बॉलर है और पूरे टूर्नामेंट में आप स्ट्रगल करें जब भी नंबर थ्री आता है क्यों मैं बात करता हूँ नंबर थ्री की क्योंकि जब ऊपर से तीन आउट हो गया तो उसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसने वो प्रेशर मेंटेन रखना है ही डोंट हैव टू लीक क्रन्स प्लस ही हैव टू अटैक एंड गेट विकेट्स और शामी जो है वो इंडियन टीम में ही इज़ द परफेक्ट एग्ज़ैम्पल और दिस इज़ वाई द इंडियन टीम इज़ क्रूजिंग लाइक नथिंग कि उनका जो नंबर तीन पे बॉलर है वो इतना इफेक्टिव है कि वो आपको मैच में रहने ही नहीं देते ही टेक यू आउट ऑफ द इक्वेशन <laughs> जब नया नए बॉल पे अच्छा स्टार्ट मिलता है exactly. एग्जैक्टली और ये हमने अपनी आंखों के सामने आज होते हुए भी देखा मैं जरा हफीज भाई के जाने भी बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि हफीज भाई ने आज सुबह में बात की थी विन द टॉस बैट फर्स्ट तो मेरा ख्याल है आपका क्लिप वो बार बार रीप्ले करके आज जरूर देख रहे होंगे कि यार वाइड इंड भी ऑन होना स्ट्रेंथ और अगर उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी अनफॉर्चुनेटली जी वो इंडिया को नहीं रिस्ट्रिक्ट कर पाए अगर उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग थी

बांग्लादेश और श्रीलंका जी यहाँ पे ट्रैफिक में रूल नहीं चलता मर्जी चलती है जी ठीक है इसी तरीके से टॉस जीतने के पास भी इनकी मर्जी थी उन्होंने मर्जी की जो नज़र आ रहा था वो नहीं किया तो आप देखेंगे एक चीज़ पिच आपको बता रही है कि यहाँ पे बैटिंग पहले करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है लेकिन उनकी मर्ज़ी है दोबारा उन्होंने फिर आफत को खुद अपने गले लगाया जब फिर डाल ली पूरी मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जब एक पिच आपको ऑफर कर रही है और वो कौन से कौन से लोग पीछे बैठ के जो है ये फैसला करवा देते हैं आपकी मैनेजमेंट की इतनी पुअर डिसीजन इतनी पूरे टूर्नामेंट में ये नज़र आया है कि यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट पे ज़्यादा टीमें जीत रही हैं और वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन दे रही है सवाए दो तीन मैचों के आप सारे मैच हार रहे हैं वाइल्ड चेजिंग मैच बारह ओवर के अंदर ख़त्म हो जाता तो एक बात ये समझनी चाहिए कि टीमें वो चेज़ में अच्छी हैं मैं एक इंडिया की मिसाल देता हूँ क्यों उनका मंत्र है कि टॉस जीतो और चेज़ कर लो क्योंकि वो उनके पास वो इंग्रेडिएंट मौजूद है वो प्रेशर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं उनके बैट्समैन वाइल्ड चेजिंग और वो डोमिनेंट डोमिनेंस उनके अंदर मौजूद है जब वो प्रेशर एबजॉर्ब करते हैं राइट टेक्निक के साथ तो फिर वो लंबी देर तक उसको खेलने के काबिल है True. तो इसलिए वो अपने आप को चैलेंज करते हैं ऑन एनी गिवन कंडीशन कि हमने चेज़ करना है लेकिन जब आपकी टेक्निक इतना की सॉलिड नहीं है एज ए बैटिंग यूनिट और आप प्रेशर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी भी आपकी इतनी हाई नहीं है तो आप क्यों अपने आप को खुद एक मुसीबत में डाल रहे हैं तो ये एक मेरी मेरी तो हैरानी हो रही है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में वो जो टॉस जीत के गलत फैसला करने वाली रेशो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब ऑब्वियस होता जा रहा है कि जो भी थिंक टैंक पीछे बैठा हुआ है वो गलत फैसले करवा रहा है तो ये एक ऐसा मैच था जिसको देख के तकलीफ इसलिए हुई कि श्रीलंका इतनी बुरी टीम नहीं है इंडिया प्लेड एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली लेकिन अब मैं अगर दूसरी तरफ जाऊं तो जब आप खुद गलत फैसला करेंगे और एक टीम के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो पार रन सवा तीन सौ तीन सौ पच्चीस रन बताया गया कि यहाँ के पिछले चार पाँच मैचों में हुए हैं तो भाई आप खुद क्यों नहीं कर रहे आप सवा तीन सौ खुद कर लो करने के बाद उनको चैलेंज कर लेना लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि हम साढ़े तीन सौ करेंगे तो कहाँ से करोगे जब आपके पास वो वाली क्वालिटी ऑफ जो बैटिंग लाइनअप है वो नहीं है True. तो आज के मैच का रिजल्ट इंडिया की बेहतरीन जो फॉर्म है उसको तो साबित करते ही है लेकिन विद द सेम टाइम श्रीलंका की मर्जी को भी साबित मर्जी ये वैसे सही वर्ड आपने यूज़ किया राशिद सर इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो अर्लियर दिस ईयर जनवरी में मैच हुआ था जिसमें इंडिया ने थ्री नाइन्टी फोर्स किया था और 73 थ्री सेवेंटी फोर श्रीलंका ऑल आउट हो गई थी उसमें भी सर आज और शामी ने मोस्ट विकेट्स लिए थे आज फिर से और यादव ने भी लिए थे बट आज फिर सर ऐसा लग रहा था कि वही स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है इतना ही डोमिनेंस उन्होंने शो की है और एक ही कुछ ही महीनों के मार्जिन पे आपने बैक टू बैक सेम तरह से मैचेस हारे हैं एक मैच और भूल रही हैं एशिया एशिया जिसमें सिर्फ तो सिराज ने शायद पांच आउट आउट किए किए थे छह थे और वो वो भी टॉस जीत के बैटिंग की थी शायद श्रीलंका ने फाइनल था उसमें भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी वो मैच मैंने देखा नहीं था वाला वो मैच देखा नहीं था लेकिन आज का मैच देखने को मिला आ, शामी के स्पेशली सिराज के ऊपर भी था जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि नया बॉल देना चाहिए वो शायद वहाप ये भी रिलेटेड वहाप से ये शायद पेस ज़्यादा है वो यंग है जिसकी वजह से और दूसरा ये जिस तरह इन्होंने कहा कि तीसरा बॉलर है बहुत इम्पॉटेंट है और ये शुरू में कहा था और बाद में जब ये खेल साबित हुआ एक और बॉलर है जो कि नया बॉल करता था वो है रबाडा वो भी तीन नंबर पे आया और उन दोनों टीम की आप परफॉर्मेंस देख लें कि ये आके ऊपर से आउट करते हैं लेकिन ये भी आके आउट करते हैं और 11 ओवर के बाद आउट करना वो ये होता है कि दो अगर आपने आउट किया ऊपर से दो और मिल जाते हैं तो शुरू में ही अगर आउट कर देंगे तो जो टीम आउट करने जा रही है उसको सक्सेस मिल रही है एग्जैक्टली exactly. मैं इसी बात को ज़रा मज़ीद आगे बात बढ़ाता हूँ जरा भाई की जाने पर भाई यहाँ पे सिराज की बात भी करना बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आप नई गेंद का भी तस्कर किया फर्स्ट चेंज की भी बात की सिराज अगर आज हम बात करते हैं तो दूसरा तीसरा और चौथा खिलाड़ी श्रीलंका का अपने साथ ही लेते चले गए उन्होंने कहा कि यार यहां पे किसी को खड़े होने का मौका नहीं मिलना चाहिए कोई पार्टनरशिप का चांस नहीं लगा एंड ही मेड श्योर दैट ही गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट बैटिंग ऑर्डर राइट फ्रॉम द मेडल सिराज का जब नया बॉल आउट स्विंग होने लग जाए ना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। जो एंगल बनाता है मतलब वाइड ऑफ द क्रीज से ऐसे एंगल के अंदर ला के फिर जो आउट स्विंग हो वो मुझे तो लग रहा था कि शायद

जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है वीर टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस श्रीलंका और अ मैच दैट वाज थोड़ा जल्दी एंड हो गया सूनर देन वी वर एक्सपेक्टिंग बट हियर वी आर विद ऑल द पोस्ट मैच एनालिसिस ओनली ऑन बीरीवी स्पोर्ट्स यहां पे हम बात करें अगर अभी बॉलिंग की बात हो इंडिया की ऑफ कोर्स हमने देखा शामी की कॉन्ट्रीब्यूशन को स्वराज की कॉन्ट्रीब्यूशन को बुमराह के बारे में हमने वैसे ही इतनी बात की है इन दिस वर्ल्ड कप तो ऑल इन ऑल एक बहुत लीथल अटैक नजर आ रहा है इंडिया का स्पिन अटैक भी उनका इस वक्त ऑल कवर्ड इफ इफ यू यू अबाउट इंडिया राइट नाउ ऑन द अदर हैंड बैटिंग अगर हम बात करें ऑफकोर्स नो बडी नीड्स एनी कन्विंसिंग इंडिया डू लुक द स्ट्रॉगेस्ट पर है वर्ल्ड कप बट वी के <laughs> <sides of> <laughs>

आज सुबह हफीज ने शायद बात की थी कि आखिरी जो बॉक्स टिक का रह गया वो शुभमन गिल का है और आज वो भी बॉक्स टिक टिक हो गया थोड़ा शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट था जरूर बॉल थोड़ा सा हिल रहा था एक आधा कैच भी छूटा बिल्कुल हफीज़ आपका मैं ओपिनियन लेना चाहूंगी आपने क्योंकि ये बात की थी शुभमन गिल के बारे में आज उन्होंने लगता है बात भी सुनी है और डिलीवर भी उसी तरह किया है कि जहाँ पे अर्ली विकेट गिरी ही डिड नॉट सीम टू टेक दैट रिस्क जो यूजली हम एसोसिएट करते हैं विद शुभमन गिल देखें मैंने जो इनका टैलेंट देखा दो हज़ार तेईस में अभी भी उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे अभी भी इस टूर्नामेंट में उस लेवल की इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेल पाए आज मैं समझता था कि इनको डेढ़ सौ करना चाहिए दो सौ भी कर सकते थे ऐसे प्लेयर हैं लेकिन आज इनके आउट होने पर उनको ज़्यादा तकलीफ हुई होगी क्योंकि बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी थी उनके पास बड़े रनस करने की लेकिन गेटिंग फिफ्टी प्लस इज ऑलवेज समथिंग आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है मैं अभी भी समझता हूँ कि शुभमन गिल हिट थ्रू द लाइन जहाँ पे जहाँ पे भी दुनिया में पीछे आएगा ही इज़ अ फैंटेस्टिक प्लेयर इसके पास जो शॉट हैं हट थ्रू द लाइन इफ द लाइट लेटर मोमेंट वो हो सकता है इनको ट्रवल करे क्योंकि ही प्लेज अवे फ्रॉम हिज बॉडी और गैप बहुत ज़्यादा वो ऐसा ऐसा हम सब में पता नहीं क्या क्या गलतियाँ थी बट इतनी जल्दी इतनी मिच्योरिटी के साथ इतने इतनी, ल, इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन को मीटअप करना और ये नेक्स्ट नेक्स्ट आइकॉन प्लेयर के जोन में जाने वाला प्लेयर है क्योंकि जो मैं लेगेसी की बात करता हूँ क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा देखा है कि वो लेगेसी शिफ्ट होती गई जैसे मैं सुनील गवास्कर को मैं देखता हूँ कि वो इंडिया के प्लेयर थे उनके पास सचिन तेंदुलकर आए बीच में बहुत से बड़े बड़े नाम आए लेकिन वो जगह नहीं ले सके जो सुनील गवास्कर ने ली मेरी समझ के मुताबिक उसके बाद जो मैंने देखा वो सचिन ने ली उसके बाद विराट कोहली ने उनको उनको सेम लेगेसी को कंटिन्यू किया और अब विराट के जाने के बाद जो नेक्स्ट सुपरस्टार मेगा सुपरस्टार बनने वाली जोन में जो को प्लेयर मुझे नज़र आता है तो शुभमन शुभन गिल्ला exactly. और वो अभी अभी मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में जिस लेवल की मैं परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट कर रहा था अभी तक उसको मीटअप नहीं किया लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स दैट जोन जहाँ पे ये बड़ी बड़ी परफार्मेंसेस करने के जो है वो वो हमें इंटरटेन करेंगे और जोहर रखते हैं लाजमी तौर पर जिस तरह से जो स्किल सेट उन्होंने आज भी मेरा ख्याल है एग्जिबिट किया बट यहाँ या, पे हम विराट कोहली के हवाले से भी जरूर बात करेंगे लेकिन जो रोहा ने बात स्टार्ट की है भाई के साथ जहाँ पे जिक्र किया आपने कि चूंकि रोहित जो है वो स्कोर नहीं कर पाए तो शुभमन के ऊपर ये जिम्मेदारी मेरे ख्याल है अहम सवाल ये जरूर बनता है राशू भाई कि रोहित के लिए आज बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि वो 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 टोन नहीं सेट कर सके जो जिस तरह से वो हमेशा जिस इंटेंट से आते थे यार रोल आइडेंटिफाई नहीं कर सके सकते बॉल अच्छी हो गई और बहुत ही अच्छी हो गई मधु शांका ने ये पांचवा बैट्समैन है जिनको पहले ओवर में ही आउट किया है जिसमें शायद इस आउट किया वार्नर को आउट किया गुरबाज को आउट किया हुआ है इमाम को सेकेंड ओवर में आउट किया आज दिखा रहे थे बबूमा उनको भी आउट किया हुआ है तो नया बॉल पहले दूसरे ओवर में बहुत डेंजरस है जिस तरह से हमने पावर प्ले में देखा है यानसन को देखा है या शाहीन को देखा है पता नहीं क्यों लेफ्ट आर्म ही बहुत इफेक्टिव नज़र आ रहे हैं एक की अठारह विकटें हो गई दो की सोलह 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 है मिचिल स्ट्राक भी हैं लेफ्ट आर्म शायद ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं शायद एंगल का फ़र्क होगा ये से ही बता सकते हैं कि थोड़ी सी भी स्विंग होती है वो पैट पे आके लगती है या बैट्समैन आज देखिए वो अंदर खेल गए तो हल्की सी बॉल स्ट्रेटर रही है या बाहर निकली हुई वहाँ पर आउट हो गया ये ऐसी बॉल पे ही आउट हो सकते थे इनका होम ग्राउंड है ये और सारी जिंदगी यहीं पे खेल रहे हैं और यहाँ पे क्या है आपको बहुत अच्छी बॉल हो गई और मुझे ये था अच्छा वो मैं बोल के नहीं गया था कि आज मुझे लग रहा था कि आज ये लंबी सेंचुरी करेंगे लेकिन वो आज पहले ही ओवर में आउट हो गए जी जी देखें इनके एक हिस्ट्री रही है अगर आप इनके कैरियर के पिछले आठ दस साल पूरे निकालें तो लेफ़्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट जिसका स्विंग हो रहा है अंदर आ रहा है और ये उसके खिलाफ इनको काफ़ी वर्नरेबल पोजिशन रही हैं और जब वहाँ से निकलते हैं शानदार प्लेयर हैं वीकनेस हर एक इंसान में कुछ ना कुछ रहती है मुझे लगता है कि ये एक इनका वो एरिया है जो सारी इनके कैरियर में इनके साथ चला है लेकिन इसके बावजूद जब ये सेट होते हैं तो बहुत शानदार खेलते हैं और आज राइट एरिया में जब पहले पाँच से दस बॉल जो हैं वो किसी भी बैट्समैन के पोजीशन राइट करने के वो टाइम होता है जो जो जब आप नई इनिंग्स खेलते हैं तो एक वनरेबल टाइम है जहाँ पे आप शोर नहीं होते वो मुझे लगता है इनका वो है कि अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वहाँ से बॉल अंदर लेके आए तो ये वहाँ पे इनको ज़्यादा उलझन हुई है तो अपने पूरे कैरियर में और वो आज भी साबित हुआ राइट एरिया में हिट हुआ वो ये अगर उनकी पोजीशन देखे तो नॉर्मली इस पोजीशन में ये नहीं खेलते लेकिन वो क्योंकि एक ऐसा वीक जोन है जो इनको बार बार जब जब होता है तो उसको हिट कर जाता है एग्जैक्टली बाजी भाई एक और भी यहाँ पे बात जो मुझे लगता है करनी चाहिए गोइंग डीपर इंटू दिस टूर्नामेंट नाउ अब हार्दिक फिट होते हैं अगर सूर्य कुमार यादव अनफॉर्चुनेटली या पिछली इनिंग्स में तो बेहतरीन उनकी इनिंग्स नजर आई लेकिन इस इनिंग्स में शायद वो उस तरह से नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर सके जैसे उन्हें करना था तो जब अब हार्दिक अब आते हैं वापस एज एन ऑलराउंडर आते हैं एज ए बैटर आते हैं तो पांच बॉलर तो वैसे ही मौजूद है जाएगा कौन फिर जगह कौन बनाएगा देखिए आज सुबह ये बात हो रही थी कि आयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और उसके रनस करना बहुत ज़रूरी थे आयर हम ये भूल जाते हैं कि आयर पिछले एक डेढ़ साल पहले जब अनफिट होने से पहले तो ये इनके नंबर वन प्लेयर बन गए थे ओडीआई क्रिकेट में इतना कंसिस्टेंट हो गए थे तो वो इंडिया की टीम इतनी जल्दी भूलती नहीं है जी बिल्कुल ऐसे ही और यहाँ जहाँ पे आपने छक्कों की बात की तो अगर कोई चाहता है किसी के छक्के चुड़ाने तो खबर मैं जरा आपको एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक की तरफ लेके जाना चाहता तो हूँ अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी सारे लोगों के छक्के आप छुड़ा सकते हैं लेट्स गो

विराट कोहली की जहाँ तक हम बात करते हैं अगर आप इंडियन टीम में देखें आज जब सुबह दिखा रहे थे टीम तो दो तीन ऐसे प्लेयर हैं जिनके सौ से ज़्यादा मैच हैं उनमें एक शामी है एक रोहित शर्मा और एक विराट कोहली है और अगर हम देखें तो सारे बकाया यंगस्टर्स किसी के साठ मैच हैं किसी के पचास मैच हैं किसी के चालीस मैच हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अब वैन वी टॉक अबाउट यंगस्टर्स तो हम ये हमेशा कहते हैं कि यंगस्टर्स हैं तो इनको टाइम दें बट दिस इज़ हाउ इट इज़ कि इनके ये जो पिलर हैं जिसमें एक रोहित शर्मा और विराट कोहली है इन पर तो इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है या नीचे जदेजा हैं जो सॉरी जिनके हंड्रेड प्लस मैचेज हैं तो अगर इन तीन को हम देखें तो यू नो इंडियन क्रिकेट मूव्स अराउंड ऑल दीज थिंग्स वो एक्सपीरियंस hmm. नहीं है अभी तक इनकी टीम में जिसको हम बात करते हैं कि वो मैचेस को आगे लेके जा सकते हैं दैट्स वाई ये हम लोगों को दोनों प्लेयर्स बिल्कुल ही डिफरेंट लगते हैं जब भी ये खेलते हैं इंडियन की इंडिया टीम में वैन इट कम्स टू ये शेरा अयर और ये क्या कहते हैं शुभमन गिल दे आर द दटर्स यू नो उनका भी स्टार्ट है यू so नो you know, जो इनिंग्स बिल्डिंग है जिसको फिनिशिंग है वो फिनिशिंग टच अभी भी जब हम इंडिया की बैटिंग में बात करते हैं तो हमें रोहित हम कोहली की बात करते हैं कि वो फिनिशिंग कोहली कर सकता है और किसी बैट्समैन की हम बात नहीं करते

Uh, अब आए हैं सूर्या कुमार यादव तो uh, मेरा ख्याल है सूर्या कुमार ने कोई चालीस मैच खेले हैं उसने कोई साठ मैचेस खेले हैं सो यू नो दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस जितना आप खेलेंगे वो उतना एक्सपीरियंस आएगा आपको दैट्स वाई आप देखेंगे जब भी बड़ी चेज होते हैं तो एक साइड पे कोहली जब खेल रहा होता है और उनके साथ जब ये इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल रहे होते हैं मतलब हैं तो ये सारे ही अच्छे ऑब्वियसली इनके रिकॉर्ड्स बताते हैं लेकिन कोहली उनको अपने साथ खिलाता है दैट्स वाई दे आर गुड इन चेजिंग क्योंकि कोहली अपने साथ सारों को खिलाता है इवन के जो और इमाम की भी शायद हमने बात हमने फखर और इमाम की भी बात की सो दिस इज द रीजन कि अभी इनके पास वो फिनिशर डेवलप नहीं हुआ

खुत वेलकम बैक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया और श्रीलंका की गेम के हवाले से काफी तफसली तजिया हम कर चुके हैं अब कुछ ऐसे लम्हा जरूर होते हैं जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं या मैच की बात करते हैं जो हमेशा से याद रह जाते हैं काफी दफा ऐसे ओकेजन के ऊपर पाकिस्तानी बॉलर्स भी याद आते हैं और काफी दफा वो अग्रेसिव बॉलर्स हमेशा जो है वह जीनत बन जाते हैं अखबारों की और खबरों की मैं जरा वहा पास जाना चाहता हूँ इसी मौके के ऊपर वापई

तो यहाँ पे भी ये जितने भी प्लेयर्स अगर आप इनसे पूछ ले बीके भाई से राशिद भाई से या हाफीज भाई से दे वो, दे वो वुड नेवर आर्ग्यू लेकिन जब चौके मारते थे फिर उन्हें कहते थे आई हफीज भाई हुआ कभी <laughs> आपके साथ ऐसे की प्ले की बॉलर ने कोशिश की लेकिन वो बात वही है जिनकी बात है कि अगर आप उनको बेस्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं वो सर्वाइव करके कर, कर सकते हैं और अटैक करके कर सकते हैं कि आप उनसे आउट ना हो और उनके खिलाफ आप रंस कर दें प्यार से वापस जवाब <laughs> के पास कुछ भी नहीं है बात करने को क्या लड़ेगा वो फास्ट बॉलर के साथ <laughs> <वो> बेचारा जो <laughs> है वो हमें इस... <laughs> क्या पे बात करी इसे आगे किसी और पूछ ले राशि भाई आपके करियर में कभी इस तरह का इंसिडेंट हुआ ऐसे ही

मैं और अदर मैम बैटिंग कर रहा था लॉर्ड्स टू थाउजेंड में सामने वाले स्क्रीन से ना उसके हाथ ऊपर से आता था नजर नहीं आती थी तो उसने बॉल की अदर ने छोड़ दी नजर ही नहीं आई ना छोड़ दी छोड़ दी अदर के पास गया वो बातें की उसने अच्छा मैं भी खेला गालियाँ चल रही हैं फुल दे रहा है ठीक है अब हमारे पास मौका नहीं मिला सही है एक होता है ना कि मौका मिले तो हम देंगे हम हार रहे हैं फॉलो ऑन हो गया हम जिसके पास जाएंगे मैच हो गया ख़त्म हार गए हम लोग ओल्ड ट्रेफर्ड आ गए <coughs> आखिरी इनिंग याद होगी आपको जब शक्लैन ने आउट कर दिए थे विकी ने आउट कर दिए थे डॉल्ट लास्ट डे और अंडर प्रेशर खेल रहे थे तो ये बैटिंग करने आया ठीक है अदर महमूद वहाँ से लेके आया ड्रेसिंग रूम के पास से जब निकला वो लेके आया अदर का पता ही है सबको ला ये मेरे पास छोड़ दिया <laughs> यकीन करे शकलैन को जब वो बैटिंग कर रहा था ना शिविरिंग कर उसके हाथ कप का कप कपा रहे थे टांगे भी वो दो तीन बॉलें लिए वो आउट हो गया था क्या बात तो ये वक्त जैसे बताया ना ये वक्त सही नहीं था उसको बोलने का क्योंकि आप वैसे ही चढ़े हुए कोई मैच है ही नहीं आपका तो अपने आप को थोड़ा सा वो कर रहे वो हो जाता है लेकिन एक, एक 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 एक, चीज़ और इसमें वहाँ के लिए कुछ हमारे बॉलर हैं कुछ बाहर के भी हैं चालीसवां ओवर चल रहा है आपके तीन सौ लगे हुए हैं आप विकेट ले लेते हो उसके बाद जो आपका रिएक्शन होता है वो अभी बॉल को देख रहा था वो तीन सौ बने हुए उसने आउट किया बेचारा वापस चला गया ये क्या है मंतक है <laughs> सोशल मीडिया है जी असल <laughs> <laughs> में मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आपको एज ए बॉलर जो है ना आपके जो भी आपका रिएक्शन है ना वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए सो so, इसकी समझ नहीं आती जब <coughs> 340 ओवरों में लगा हुआ है आपने इतनी मार खाई हुई उसके बाद आप आउट करके जो है ना वो बैट्समैन को दिखा रहे हैं और एग्रेशन शो करें <laughs> ये रिसेंटली हमारी टीम में बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि ये चीज़ें जो है वो आकर सोशल मीडिया पे आती हैं और फिर लोग जो हैं उससे बड़े मुस्फ़ी होते हैं कि यार ये चीज़ हो रही है बट उनको ये समझ नहीं आता कि मैच तो हार गया अब क्या फ़ायदा इस चीज़ का अगर आपको मार पड़ गई है किसी दिन आप आउट करते हैं हमारे साथ ऐसा होता था हम भी यही करते थे वॉक कर जाते थे आउट किया लेकिन हम वापस वॉक कर जाते थे इसलिए क्योंकि हम कहते थे कि यार नहीं हमें इस मैच में जो हमारा अच्छा नहीं गुजरा ये राशिद भाई के वाक़ से एक वाक आता है कि जी टू थाउजेंड हम लोग ये गए 2008 में श्रीलंका के टूर पे तो वहाँ पर उनका एक लेफ्ट था ए टीम थी मोहम्मद तला एक फास्ट बॉलर थे बहुत आपको याद होगा हो अभी <laughs> तो वो वो था साथ हमारे तो उनका एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन था ना बहुत ग्रीन विकेट था बॉल बहुत सीम हो रहा था फाद में सूधर ये सारे थे तो इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की तो एक आया उसने आके मारना शुरू कर दिया उसने कोई एक घंटे में लंच से पहले अपना सत्तर कर लिया तो मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा तू आके इधर क्या टी ट्वेंटी खेल रहा है उसने खैर मुझे कहा हाँ उसके बाद उसने सबकी बहुत कुट लगाई इतनी कुट लगाई मुझे भी दो ओवरों में सोलह सत्रह कर दिया फोर डे मैच में फाज मसूद को एक ओवर में पाँच चौके मार दिए तो लंच खत्म हुआ ना तो दोबारा अहमद शहजाद आया तो उसने आखने ऐसे एक बॉल किया हमने हमें मिल नहीं रहा था उसने फुल ही की उसने कोई मारा मिस किया तो मैं अहमद ने उसे कुछ कहा तो फिर मैं उसके पास गया तो उधर से ना तला फाइल लग पकड़ रहा है कहता वहा वहा मैंने कहा कहते वहीनू कुछ ना कहीं है बाद है <laughs> यही जो बात आपने की ना कि कभी कभी कुछ सुनने के बाद जो सबसे अच्छा रिएक्शन होता है वो अपने बैट से होता है इससे मुझे वो इंसिडेंट भी याद आया टू थाउजेंड वर्ल्ड कप के मैच में जो डर्बिन में इंडिया uh, और इंग्लैंड का मैच हो रहा था और उसमें uh, युवराज सिंह बैटिंग कर रहे थे और इस तरह शेडी फ्रिंट ने जाके कोई उनकी आपस में हुई

तो कोई खेला था दोनों में से नहीं कोई नहीं वो ये, ये खेल रहे मैंने वाक्य वाक्य सुना हुआ है तो बहुत फेमस है फिर सुना देते तो <laughs> लारा खेल रहे थे मुल्तान में मैच था <laughs> तो अब दानिश ने एक आध बॉल किया वो उन्होंने आगे बढ़ के ना तो बॉल उनकी लेंथ उस जगह पे नहीं तो उन्होंने उस बॉल को रोक लिया अब दानिश ने बॉल पकड़ा और पकड़ के ना दानिश वो एक वो जाली बदमाश बनता ना तो बात हुई तो कहता खमोन लारा खमोन <laughs> उसको कहता है एक आध बॉल और कहता है कम ऑन लारा कम ऑन अब लारे का अपना ना एक एक, एक फ्लेयर था एक अपना उसकी एक बॉसी किस्म का एटीट्यूड था ही ही टैप द पेज और कहता ओके okay <laughs> <आरे> सन <laughs> और उसके बाद फिर छक्के छक्के ये आप लारे को कैसे छेड़ सकते हैं यार यू कान <laughs> और इसके बाद फिर दानिश ने हाथ ही जोड़े कि बस कर दो तो। के अंदर मैं उसको कुछ छह के आठ छक्के पड़ गए थे बेचारे <laughs> तो भाई आपके करियर में कोई इस तरह का किस्सा वाक्य जो आप शेयर करना चाहते हैं ये जो ये जो लारा का बता रहा है ये इससे पहले काम ये शुरू हो चुका था ये वेस्ट इंडीज़ में हुआ था इससे पहले इस टेस्ट में ये ये तो बता रहे हैं जब वेस्ट इंडीज इधर आया जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज गया था तो लारा के साथ उसने यही किया ऐसे ही कुछ किया था इसने उसको गूगल किया उसने चक्का मारा वो रोप से थोड़ा सा ऐसे करके गया तो इसने दानिश ने उसको क्लैप किया अगला उसने छक्का मारा वो बॉल वापस नहीं आया फिर <laughs> आप, आप आसिम कमाल खड़ा होता था शॉर्ट लेग पे hmm. लारा की खसूसियत के आसिम कमाल को बताता कहता है यार उसको बताता कि जिस तरह वो बेस्ट के सन अब मैं स्वीप मारने लगाऊँ तो टेक तो अभी वो बॉल उसने छोड़ी होती आज से पहले ही ऐसे होता था और ये स्वीप मारता था <laughs>

दिस गेम एंड दिसाउट टॉकिंग अबाउट मधु शांका वो जरा गलत होगा बिकॉज उनका जो आज एफर्ट था ऑल दो बोल्डली जब आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है जब hmm. स्कोर हो रहे होते हैं तो यू फील अट डिस्क आप थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल होते हो कि यार मेरी बारी भी आनी हो और मतलब कुछ हो नहींगा बट एवरी टाइम यू के मेन विद

ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में भी बड़ा ज़रूरी है नॉट जस्ट इन द वर्ल्ड कप कॉन्टेक्स्ट नेदरलैंड्स वर्सेस अफगानिस्तान बहुत टक्कर का होने वाला है कल एंड दिस विल बी टेकिंग प्लेस इन लखनऊ सो ये एक इंटरेस्टिंग मैच होगा बट क्विकली बी के द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मैच इन द कॉन्टेक्सट ऑफ नॉट जस्ट वर्ल्ड कप बट ओवरऑल अगर हम रैंकिंग्स और चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशंस की भी बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टूडे के कबाब हैं लखनऊ में <laughs> लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी इस दफ़ा देखें जो क्वालिफाई नहीं किया वर्ल्ड कप वो वैसे ही आ है वेस्ट इंडीज़ वैसे ही बाहर है जिम्बावे वैसे ही बाहर है तो इनके लिए नैदरलैंड के स्पेशली ये बहुत बड़ा उनके लिए है कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाएँ वही कॉन्टेक्ट अफगानिस्तान लेकिन अभी अफगानिस्तान को हम राइट ऑफ कर रहे हैं अफगानिस्तान दो चार गेम अच्छी खेल जाए तो वो मिक्स में आ जाते हैं उनके पॉइंट ठीक हैं बट आई थिंक मैच बड़ा अच्छा होगा क्योंकि वैल्यू ऑफ द गेम uh, काफ़ी ज़्यादा है बिल्कुल अफगानिस्तान इस वक्त नंबर छः पे हैं जी और नेदरलैंड्स आर ऑन नंबर एट तो बिल्कुल एज पे हैं इस वक्त नेदरलैंड्स लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू मोरो बट राइट नाउ शहजाद आई बिलीव यू हैव द विनर ऑफ टुडेज जे डॉट क्वेश्चन ऑफ द डे आज किसने

जिसकी वजह से आप ये गांव तो दो आउट तो दो बंदों ने पांच पांच किए <laughs> इन्होंने किसका नाम लिया इन्होंने जिनका नाम लिया है वो वही है जिनकी इकोनॉमी लोएस्ट है तो आई थिंक वो oh, okay. शार, 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 शामी को ही जाएगा सो यू वन योरसेल्फ दिस वंडरफुल जेड डॉट रूलर परफ्यूम फॉर योरसेल्फ इट विल बी पोस्टेड टू योर पोस्टल एड्रेस एज़ वेल थैंक यू वेरी मच फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ जी द इकॉनमी 5 5 के बाद पे शामी की बेहतर है जी तो so, थैंक वो ही बात है कि काफी कंटेन्डर्स yeah. थे आज के okay. जवाब के मैं लिए मैंने इसलिए पहले ही कर दिया था बट थैंक सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस टू बी इन एंड ऑफ कोर्स कल के मैच के लिए वी विल ऑल बी बैक इन द मॉर्निंग फॉर द प्री मैच शो ब्रिंगिंग यू ऑल द एनालिसिस खाने पीने की बातें भी तो होंगी क्योंकि लखनऊ में मैच है एंड विक्रमजीत सो मच सो मच इन स्टोर फॉर यू टूमो मॉर्निंग सो ड्यू ड्यू टून इन प्लीज एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एवरी सिंगल डे एक्चुअली इंगेजिंग विद द शो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल और कल आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए